माँ के लाडलों और पापा की परियों को मेरा सलाम। आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज है स्टारलिंग की एनिवर्सरी। इसी खुशी में बाहर हो रही है बारिश, दिखाता हूँ आपको। ये देखो सर अजीज, और ये हमारे जो क्या नाम है भाई तेरा, जैब सर। जैब सर बारिश में भीगते हुए काले कपड़े पहनते हुए, ऐसे ध्यान कर जाए बिजली ना गिर जाए तेरे पर। ठीक है, और आपको स्टाफ से मिलवाते हैं, पहले तो किचन में लेकर चलते हैं। किचन में क्या चल रहा है? ये किचन की सूरत हाल है, सारा गोश्त ही गोश्त है भाई जान। ये वैसे आपस की बात है, ये जो काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ इनने काम नहीं किया, हमने बड़ा काम किया है। चल झूठा, यहाँ इस जगह पर हमने लहसुन छीने, ठीक है। इस बच्ची ने बिल्कुल वो माशाल्लाह से लाइट खींच देगी, ये स्टार्टिंग की शान है, हमारी बरकत है। यहाँ जब भी बारिश आती है तो लाइट चली जाती है माशाल्लाह से। बस कर दे, इतना काम करवाया है। हाँ, टाइसन वाली मैम आज किचन की टाइसन बनी है, किचन की इंचार्ज बनी है। ये देखें टाइसन वाली मैम जो आप पूछ रहे थे ना, वो यहाँ खड़ी हुई है वो। नहीं मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, चलते हम अपने गाइस को एंटरटेन करते हैं और यहाँ से निकलते। आज मैं कौन खड़ा हो गया सर? ऐसी इसको नींद आई नहीं है सर, अपने आप को पता नहीं सुखा रहे हैं या बिगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं गया। हवा में बैठे हुए बारिश में भी ये हमने स्टार्लिंग में एक नया स्टैचू लाके खड़ा किया है माशाल्लाह से, बड़ा महंगा पड़ा है। कौन है ये लोग? तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे पर नेट कैसे आ रहा है? ये अमीर बच्चे हैं हमारे। आपने क्या सीखा स्टार्लिंग में? तो पीछे हो अंधेरे में आ रहे क्या सीखा? काफी सारी, मैंने कॉफी बनाना सीखी मैंने आज लहसुन काटना बगैर छुरी के इमेजिन कर सकते हो, बगैर छुरी के। मेरे तो नेल भी नहीं है भाई, लहसुन काटे हैं मैंने, वो भी सीखा मैंने। यार हमारी क्लास होगी शुरू, ठीक है। तो हमारी क्लास में अभी थोड़े से स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है। अभी शायद सिर्फ आप 8 मिनट ऊपर हुए, क्लास स्टार्ट हुए हैं तो तकरीबन 15 मिनट तक आते हैं। इनकी पनिशमेंट मैं देखता हूँ जरा, बहुत लेट हो रहे हैं ये आज, वरना क्लास फुल होते तक। मैं छोटी छोटी चीजें साथ पूरे दिन की कवर कर रहा हूँ कि लास्ट में जो हमारी सेलिब्रेशन है वो साथ आपके साथ कवर करें हम। ओके, मिलते हैं अब मैं क्लास। अभी स्टूडेंट्स तो आए नहीं, लेकिन जितने आ गए इनको क्लास देते हैं, क्लास फिनिश करते हैं। छोड़ने बचाना, हमारा केक आ चुका है, यहाँ को डेकोरेशन चल रही है, ठीक है। केक दिखाऊँ आप लोगों को? केक दिखा नहीं सकता, बट चॉपर वगैरह दिखा देता हूँ। हमारे किचन में क्या चल रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। किचन वालों, किचन में क्या चल रहा है, केक दिखा सकते हो मुझे? नहीं, ये बड़ा लेवल। आज की 18 है जुलाई मंथ, आज का जुलाई है, स्टार्लिंग जगह स्टार्टिंग की, ठीक है। और ये पेस्ट्रीज है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा ये सबसे मजे का सामान ये हमारी डेकोरेशन चल रही है। डेकोरेशन में मुनीब एक्सपर्ट डेकोरेशन के बिल्कुल भी नहीं, गजब बेइज्जती है। हम एक साइड पर खड़े हो जाते हैं और वहां से देखते हैं ये क्या चल रही है, ठीक है। यहाँ हम खड़े होते हैं, यहाँ चीज क्या करते हुए देखते हैं। फलाओ फलाओ फलाओ, शाबाश, लगे रहो। मुनीब मुनीब, हवा नहीं निकालनी है भाई जान, मुनीब के अंदर वैसे हवा की वैसे कमी ही चल रही है। ध्यान कर ध्यान, वे आप लोग को हमें पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो उसे छुपाया जा रहा है, अभी सिर्फ लगता है विजिटर्स को ला रहे हैं हमारे स्टाफ रूम को दिखाने के लिए, ठीक है। कचरा हुआ पड़ा है इस टाइम पर, लेकिन दिखाना है। सर फलक को पता ही नहीं है कि हम कोई सेलिब्रेशन करें, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले आपने इस रूम का हाल देखा था, अब दिखाओ मैं क्या चल। कुछ ऐसा सीन हो गया, सारे पढ़ने वाले हमारे बच्चे, पढ़ाकू बच्चे, और एक साल पूरे होने के लिए स्टार्लिंग की बगा के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। तो अभी आने उनके सर के गेस्ट, वो आएंगे विजिट करेंगे, उसके बाद हमने लगा कमरे को कुंडी, ठीक है। कुंडी, उसके बाद फिर यहाँ जैसे तमाशा शुरू हुआ था, सारे वैसा कैरेक्टर में आ जाएंगे। अब देखो कितने शरीफ। अच्छा ये देखो, यहाँ लाइट लग गई, आग भी जल गई है। अब अपनी पप्पो यहाँ जलाई है, मैं मादी की आग लगती गई। अच्छा तो आप आने वाले सर पलक, उनको जैसे कि आपको पता है, नहीं पता उनको कि हमने उनके लिए सरप्राइज रखा है, लाइट्स ऑफ हो गई है, ठीक है। ये कुछ हमने डेकोरेशन की हुई है, ये स्टूडेंट्स हमारे खड़े हैं, कुछ स्टाफ हमारा खड़ा है।
माशाल्लाह करप्शन होते हुए सर ने वहां रिकॉर्ड करप्शन किए यार ये वैसे अच्छा लग रहा है आपस बात ठीक है क्या ये नाकाम कोशिश होते हो सर बोलने तो देते पूरा सर लगी सर आपने तो पप्पा वाला काम कर दिया आग लगा दी सर पिछले जन्म में आप पप्पा थे तो जर में आपको आग लगा देगा मेरी वजह से कोई भतीजे मेरे जो है ना वो मैं कुप्पो दी तो उसी तरह से चल पड़े मतलब आप दी आहिस्ता मतलब सर शोले लगा रहे क्या लगा रहे शोले वो सारी चिंगारियां खुद ही आग लगाएंगे खुद कितने आप लोग करीब बैठ के ऐसे लग रहे पता नहीं कितनी मेहनत करवाई है बैठ कर ओए ओए सर आप बोले आपको चाले हो गए ओए सर ने बड़ी मेहनत करवाई चाले हो गया क्यों हाथ साथ लगा है आपका कोयले के साथ मुझे जोश दिलवा रहा था मैंने जोर से किया चाले हो यार अब हम थोड़ा सा खा लेते हैं फिर मिलते हैं यार ये हमारा भाई शहीद होने जा रहा है मुझे समझ नहीं ठीक है भैया यहाँ हम भी शहीदों में उंगली करवा रहे हैं हम भी काम करवा रहे हैं और ये अरान साहब रिव्यू वैसे आपस की बात है जिसने भी बनाया था ना बहुत लेवल का कसम से मिसाल आप बहुत लेवल बनाया आपने अच्छा यार हमारा तकरीबन जो भी फंक्शन वगैरह था कंप्लीट हो गया क्लोज हो गया और क्या कहते हैं इसको कि बहुत मजा आया ठीक है हमारे पूरे स्टाफ को जो कि ये देखो बोटियों का कचरा करते हुए ठीक है यहाँ पूरा मतलब सही तरह खाया दबा के इसको पता चलता है ना खाया सबने खाया भाई ये एक तरह का भजन ये हमारे शेफ खड़े अच्छा कुक सर खड़े हैं मुर्गा खड़ा हुआ ठीक है यहाँ हमने ये सही सीखें फोड़ी हैं यहाँ आपको पता चल रहा है हालत उसकी ठीक है हाँ हाँ बताओ यार बोलो सीक्रेट मास माशाल्लाह जिसने खाना है जिसने खाना है आप चलते हैं सर फ्लेक्स से रिव्यू वगैरह लेते हैं ठीक है और फिर क्लोज करते हैं हमने केक वगैरह खा लिया आपको दिखाया नहीं सॉरी तो अब रिव्यू लेना है सर रिव्यू हाँ तो मैं आपको नहीं बता सकता मैं कितना खुश हूँ माश आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड क्या कहते हैं ग्लैड एंड हैप्पी टू द फुलेस्ट कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली बिल्कुल और मेरी टीम जैसी टीम कहीं पे भी नहीं है पूरी दुनिया में नहीं होती खाएं कसम खाएं कसम मुझे जो है ना जिया से माँ जैसा प्यार मिलता है और हमारी जैसी कोई टीम है ना वो ऐसे किसी की भी टीम ने ना सरप्राइज नहीं दिया होगा जो मेरी टीम है बिल्कुल इतना बड़ा सरप्राइज सर आपको पता था पहले सही सही बताया ना आपने सर को कुछ भी नहीं पता था हमने सिर्फ बोला था सर आपने इतने बजे फ्री हो जाते मुझे पता है मैं आप आ रहा हूँ अच्छा वाकई में सर को कुछ भी नहीं पता था हमने सर अजीज गए थे सर को बताने के लिए सर आपने तकरीबन 7 बजे तक फ्री हो जाना है आपस के बाद सर 7 बजे फ्री नहीं हुए थे सर की कोई मीटिंग चल रही थी 7:30-8 बजे तक फ्री हुए थे हमने केक वगैरह काटा उसके बाद जो आपने सारा कुछ देखा ठीक है अब हम करते हैं ब्लॉग को एंड इंशाल्लाह आपको मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में।